हेलो दोस्तों, मैं किशन स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल टेक एंड क्रिप्टो हब में। दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे, यदि आपकी माइनिंग रिग पे आप दो से ज़्यादा पावर सप्लाई को अटैच करना चाहते हैं दोस्तों, तो कैसे ऐड करेंगे। हाँ दोस्तों, आप तीन या चार पावर सप्लाई को यदि आपकी माइनिंग रिग बड़ी है तो कैसे अटैच करेंगे दोस्तों, तो आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा आप देख पा रहे हैं, ये हमारी दो पावर सप्लाई हैं और हम इसमें यदि हमें तीसरी पावर सप्लाई अटैच करनी होगी तो कैसे अटैच करेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास ये जो मेरी मैंने दो पावर सप्लाई रखी है और एक हमारे पास ये पावर सप्लाई कनेक्टर है दोस्तों, इसके माध्यम से हम अपनी मदरबोर्ड पे दो पावर सप्लाई को अटैच कर पाएंगे दोस्तों। आप वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना। हम तीन से चार पावर सप्लाई को कैसे अटैच करेंगे मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये हमारे पास जो हमारा ये कनेक्टर है, पावर सप्लाई कनेक्टर, इसमें तीन पार्ट दिए हुए हैं। दो पार्ट से हम दोनों PCU को कनेक्ट करते हैं एंड जो थर्ड पार्ट है, यानी इसमें दो आपको फीमेल मिलेंगे, 24 पिन PCI के आपको दो फीमेल एंड वन मेल मिलता है दोस्तों। तो जो मेल होता है, जो हमारे पास दो फीमेल होते हैं उनको हम अपनी दोनों पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं और जो मेल होता है उसको हम अपनी मदरबोर्ड में कनेक्ट करते हैं दोस्तों। जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, हमारे डिस्प्ले पे दोस्तों हमने दो पावर सप्लाई को अपने कनेक्टर के द्वारा अटैच किया हुआ है दोस्तों। जो मेरी मेन प्राइमरी जो पावर सप्लाई है दोस्तों, ये फर्स्ट आप देख रहे हैं, उसको मैंने 24 PCI कनेक्टर में ऐड किया है और आप जो एक और कनेक्टर देख पा रहे हैं जिसमें आपको टू वायर दिख रही है दोस्तों, उसको मैंने अपने सेकेंडरी पावर सप्लाई से अटैच किया हुआ है। तो आप दोस्तों जब भी पावर सप्लाई को अटैच करें तो ध्यान दें, एक आपकी प्राइमरी जो कि मेन पावर सप्लाई होगी दोस्तों, दूसरी आपकी सेकेंडरी पावर सप्लाई होगी या जो थर्ड या फोर्थ जो भी पावर सप्लाई आप यूज करेंगे एज ए सेकेंडरी, बट वन आपकी प्राइमरी पावर सप्लाई होगी जो आपको मदरबोर्ड पे कनेक्ट करना है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हमने दो पावर सप्लाई को अभी अटैच कर दिया है। मैं आज की वीडियो में आपको तीन तरीके से पावर सप्लाई को अटैच करना आपको बताऊंगा। एक तो तरीका ऐसा भी है दोस्तों, जिससे आप बिना मदरबोर्ड पे पावर सप्लाई को अटैच किए भी पावर सप्लाई को स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि एक ये आप चिप देख रहे हैं दोस्तों, इस चिप के माध्यम से भी हम पावर सप्लाई को अटैच कर सकते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो, यदि हमें ये हमारी दो पावर सप्लाई अभी हम पावर सप्लाई कनेक्टर के द्वारा यदि कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों, यदि हमें थर्ड पावर सप्लाई को अटैच करना पड़ा तो हम इस चिप कनेक्टर के द्वारा भी अटैच कर सकते हैं दोस्तों। तो कैसे अटैच करेंगे ये भी मैं बताऊंगा आपको। तो जैसा आप देख पा रहे हो, इसमें 24 पिन का एक कनेक्टर है और एक मोलेक्स कनेक्टर है दोस्तों। तो जो मोलेक्स कनेक्टर है उसमें हम अपनी जो हमारी मेन पावर सप्लाई है दोस्तों प्राइमरी, उससे अटैच करेंगे और जो उससे हमारी साटा की जो मोलेक्स वायर होती है दोस्तों, आपने देखा होगा साटा वायर, उसमें एक मोलेक्स कनेक्टर होता है दोस्तों। तो उसे हम अपनी जो हमारी मेन पावर सप्लाई है दोस्तों, उससे हम मोलेक्स वायर को अपने इस चिप में जो मोलेक्स कनेक्टर आप पिन देख रहे हैं इसमें अटैच कर देंगे दोस्तों। और जो हमारी सेकेंडरी पावर सप्लाई होगी दोस्तों, जो आप 24 PCI इसमें स्लॉट देख रहे हैं उसमें उससे कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। तो इस तरह से हम तीन पावर सप्लाई को कनेक्ट कर पाएंगे दोस्तों। तो ये बिल्कुल सॉलिड तरीका है दोस्तों और कोई इफेक्ट नहीं है। और जैसा आप देख पा रहे हैं, इसको हम अपनी मदरबोर्ड में लगा देंगे दोस्तों और इससे जो आप देख पा रहे हैं, जो हमारी मेन पावर सप्लाई से जो साटा वायर आई है उसके जो मोलेक्स वायर हैं उसको हम अपनी चिप में लगा देंगे दोस्तों, और उससे उस चिप में हम अपनी सेकेंडरी पावर सप्लाई को 24 जो पिन उसके वायर हैं मेल वायर को हम इसमें अटैच कर दिए हैं दोस्तों। अब इस तरह से हम तीन या चार इस कनेक्टर के थ्रू हम चार से ज़्यादा भी पावर सप्लाई को अटैच कर पाएंगे दोस्तों। करना क्या है आपको, बस ये चिप लेना है और मोलेक्स वायर में देखेंगे कि आपको तीन चार ये मोलेक्स वायर कनेक्टर होते हैं साटा में, बस साटा कनेक्टर में हमें
उसको ऐड कर देना है दोस्तों। हमारी पावर सप्लाई पे कोई लोड नहीं पड़ना है दोस्तों, क्योंकि बस वो हमारा एक ऑन ऑफ स्टार्ट करने के लिए होता है वो। तो प्राइमरी जो हमारी सप्लाई है, इस तरह से आप मल्टीपल पावर सप्लाई को अटैच कर सकते हैं दोस्तों। काफ़ी बेस्ट तरीका है। यदि आप इस चिप को यूज नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, तो मार्केट में आपको 3 पिन वाले भी पावर सप्लाई कनेक्टर मिलते हैं, अमेजान वगैरह पे आप देख सकते हैं दोस्तों। तो ये बेस्ट तरीका है आपको मल्टीपल पावर सप्लाई 2, 3, 4, यदि आप कई सारी पावर सप्लाई अटैच करना चाहते हो दोस्तों अपनी माइनिंग रिग पे, तो इस तरह से आप अटैच कर पाओगे दोस्तों। तो कितना सिंपल है दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि देखिए ये 3 PCU कनेक्टर भी मिलते हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। बट जो हमारा ये चिप कनेक्टर है दोस्तों, ये चिप पड़ता है, सस्ता पड़ता है हमें मार्केट से, तो और हमें मोलेक्स वायर के साथ अटैच कर सकते हैं हमारे पास, तो हम इजीली इस तरह से हम 3 से 4 पावर सप्लाई को अटैच कर पाएंगे दोस्तों। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे आप बिना मदरबोर्ड, बिना कनेक्टर के भी पावर सप्लाई को आप ऑन कर पाओगे दोस्तों। तो जैसे कि आप देखेंगे, हमने ये एक हमारा जो मदरबोर्ड का ये पावर सप्लाई होता है 24 PCI, इसमें आप जो ग्रीन वायर देख रहे हो दोस्तों, ग्रीन वायर 1st से 4th नंबर पे है, एंड आपको 4th एंड 5th इन 2 वायर के साथ जाना है। चाहे आप लेफ्ट साइड देखो चाहे राइट साइड देखो, आपको लेफ्ट से 4th वायर एंड, या अगर राइट से जाते हो दोस्तों तो राइट से 4th वायर। तो यहाँ पे अभी आपको जैसे ब्लू कलर दिख रही है और इस साइड से आप ग्रीन दिख रहा है, तो हम इस साइड से जब अटैच करेंगे दोस्तों, तो आपको जो पिन अटैच करना है बिना मदरबोर्ड के, हम पावर सप्लाई को ऑन कर सकते हैं इस ट्रिक से दोस्तों। तो आपको 4 में 1st से 4 पिन एंड 5th पिन में ये पिन को कनेक्ट कर देना है दोस्तों। ऐसे अटैच करने पे भी हमारी पावर सप्लाई प्रॉपर रन कर जाएगी दोस्तों। इसके अलावा आपको सिंगल पावर सप्लाई कनेक्टर भी है, सेम वही ट्रिक, इसमें भी आप देख रहे हैं एक वायर लगा है जो हमारे ग्रीन एंड ब्लैक वायर को 4th एंड 5th नंबर को कनेक्ट कर देगा दोस्तों। तो सिंपली है दोस्तों, इस तरह से दोस्तों हम मल्टीपल पावर सप्लाई को अटैच कर पाएंगे दोस्तों। थैंक